दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं मजनू का टेला, जिसको लिटिल तिब्बत ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय और उसके बाद आप शेयरिंग रिक्शा लेके यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं और मतलब आप कह सकते हो कि ये पूरा मार्केट जो है छोटी छोटी गलियों के बीच ही है। तो फिर चलिए एक्सप्लोर करते हैं तिब्बतन मार्केट को और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। हम आए हैं संडे के दिन, जिसमें गर्मी और भीड़ दोनों अच्छे लेवल पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तिब्बतन एंटीक्स रखे हुए हैं काफ़ी सारे, जार्स एंड ऑल, या यहाँ पे फ्लावर पॉट भी है जिनका डिज़ाइन पूरा तिब्बतन स्टाइल में है। थोड़ा सा आगे जाके अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेन एरिया पे। यहाँ पे तिब्बतन दो मंदिर हैं, आप देख सकते हो। अगर आप कोरियन स्नैक्स के फ़ैन हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स के रामेन, चॉकलेट्स एंड ऑल अवेलेबल मिलेंगी। थोड़ा सा आगे चल के हम आ चुके हैं छोटे से कैफे में। Please say hello to my YouTube channel. Hi. Hi. और अभी हम ट्राई करने वाले हैं लाफिन। लाफिन होते हैं कोल्ड नूडल्स जो मैदे से बने होते हैं और ये तिब्बत, नेपाल और भूटान में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। टू टाइप्स के लाफिन होते हैं, ड्राई लाफिन एंड सूपी लाफिन। अभी हम ट्राई करने वाले हैं ड्राई लाफिन। काफ़ी ज़्यादा यूनिक टेस्ट था इसका। अगर आप स्पाइस लवर है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना इसको। मार्केट कपड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिलेगा, चाहे वो शर्ट्स हो, बॉटम्स हो, टी शर्ट्स हो या फिर ड्रेसेस हो। तो आप यहाँ पे एक बार आए और ज़रूर चेक करना। और प्राइस भी इनका काफ़ी रीजनेबल होता है, जैसे 400 to 500 में आपको यहाँ पे शर्ट्स अवेलेबल हो जाएगी, 500 में ही आपको यहाँ पे ड्रेसेस देखने को मिल जाएगी। मतलब सबका प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है वो कौन सी ड्रेस है। तो यहाँ पे आप आके आप चेक कर सकते थे। ये वाइट वाली ड्रेस थी, इसका प्राइस था 500 रुपीज़, जो काफ़ी रीज़नेबल था। और ड्रेस की क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी थी। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद हमें बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा चलो कहीं बैठ के कुछ खाते हैं। और यहाँ पे मैडम का फ़ोटोशूट चल रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। तो चलो हम ऊपर चलते हैं। लिटरली गाइस, मतलब 5 फ्लोर चढ़ने के बाद हमने ऊपर जाके देखा तो हम गलत कैफ़े में थे। फिर हम दोबारा नीचे आए और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे मेन कैफ़े में आए, द स्काई रूफ कैफ़े। काफ़ी घूमने के बाद अब हमने सोचा चलो अब यहाँ से चलते हैं घर की साइड। हाय गाइस, जस्ट अभी अभी सिटी पहुँचे हैं, रात के ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। नहीं आ रहा क्योंकि भूख लेनी थी, इसी
बोलने सीख लिया है हम लोग, मेरे पीछे से कुछ ना कुछ बोलने जा रहे हैं, मुझे ब्लॉग नहीं बता रहे ठीक है। गिलेश क्या करना है मुझे? तुझे डेढ़ सौ वाली बुक्स नहीं है, डेढ़ सौ रुपए की बुक 100 रुपए में लेनी है। ये झूठ बोल रहे हैं, 1000 रुपए की बुक 1500 में लेनी है। मैं गरीबों का भला कर रहा हूँ। खुद का भला कर रहे हो मतलब? मैं गरीबों का भला कर रहा हूँ, गरीबों का। देखो इसके कितनी तेज तेज चल रही है। कहाँ जा रही है? इंजीनियरिंग करना। और तेज तेज क्यों जा रही है इतना? बच्चा नीचे बुक बंद होने वाला। 8 बजे बुक बंद हो रही है, स्टोर बंद हो रहा है। हाँ 8 बजे कौन सा स्टोर बंद होगा यार, बुक का स्टोर। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चोरी नहीं करनी। चोरी कर रहे हो ना, शक्ल दिखाना था। अरे लिखना तो है नहीं, क्या करोगे डायरी का? मैं लिखता हूँ। क्या नया बुक्स मिल गई? नया नहीं मिल रही? नहीं बेचारी।